बढ़िया कर दिया काम, काम कोई कमी नहीं। पैसे वैसे क्या मामला है? ये बढ़िया है भाई, बढ़िया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सफर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज सबकी चहेती गाड़ी आ चुकी है जो कि रहने वाली है हमारी टाटा पंच, और आपका भाई इसके अंदर कर रहा है मतलब पूरी मॉडिफिकेशन दिखाएगा आपको बेस मॉडल के अंदर, जो भी मॉडिफाई हो सकता है, सिस्टम लग सकता है, सेंटर लॉकिंग लग सकती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरा घूमने लग रहा है, लाइट वाइट को वाइट वाइट कर रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया सीन वाला कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को भाई, और इससे पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी क्वारी होती तो भाई कमेंट कर देना, इस तरह की वीडियो भाई लेके आता रहेगा। तो भाई टाटा पंच आ चुकी है आपके सामने और इसके अंदर चल रहा है अभी काम। तो गाड़ी के अंदर अभी हम कर रहे हैं एक तो सीट कवर का काम, तो भाई यहाँ पर बैंकर वाली सीट कवर जो होते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जो भी सीट कवर लगने वाले हैं। अभी भाई इसके बकेट फिट के लिए सीट कवर सीट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद इस पर सीट कवर चढ़ेगा, कौन सा चढ़ने वाला है, कौन सा कलर होने वाला है वो भी दिखाऊंगा। अभी भाई फिलहाल के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे लोग ऊपर DRL डाल देते हैं, तो हमने क्या करा है इसकी जो लाइट है वही वाइट कर दिया, तो यानी कि पूरी जो लाइट है वो वाइट हो जाएगी और एज ए DRL काम करेगी। तो आप भी करा सकते हो, अगर इसकी लाइट है तो वाइट करवा सकते हो, ये चीज़ हो जाएगा। इसके जो बल्ब थे वो नॉर्मल हैलोजन बल्ब ही रखे गए हैं, क्योंकि अभी तक फिलहाल भैया ने उसको चेंज नहीं करवाया, इन फ्यूचर अगर वो होते हैं तो बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा, बट अभी तक ये चीज़ नॉर्मल है। इसके बाद चलते हैं भाई इसके गेट की तरफ, तो गेट में बाहर बिल्कुल सब कुछ अभी तक सिंपल है। तो भाई यहाँ पर अभी गेट खुला हुआ है इसका कुछ, इसमें स्पीकर वगैरह काम चल रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मेरा भाई। भाई क्या हाल है? बढ़िया। क्या क्या डाल रहे हो इसके अंदर? स्टूडियो डाल रहे हैं, 4 स्पीकर डाल रहे हैं, फ्रिशअप डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये तो ये लग गया अपना, चालू हो गई है? नहीं, चालू चालू होगी। तो भाई ये चीज़ देख लो पूरी, ये जो आपकी इसका प्लेट है वो पंच की बन चुकी है, और देख रहे हो एक्यूरेट फिट जो फिटिंग होती है वो चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके बाद भाई यहाँ पे स्पीकर डलेगा, स्पीकर भाई कौन सा डाल रहे हैं? स्पीकर अभी चॉइस करेंगे अपनी। अच्छा, तो अभी तक चूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर अभी डलेगा। और भाई ये चीज़ देखो आप ना, ये जो नॉर्मल गाड़ियाँ पन्नी वगैरह लगा के देते हैं ना ये लोग, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर देख रहे हो मतलब बिल्ड क्वालिटी वाला सीन है, टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ कभी भी मज़े नहीं लेती। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो एक नंबर सीट आपको मिल जाती है। उसके बाद भाई यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एंड्रॉइड लग रहा है, कौन क्या क्या सीन है भाई एंड्रॉइड का इसका? ये अपना 216 है। अच्छा, 2 32 GB रैम और 16 GB इन बिल्ट मेमोरी। ओके, दोनों अपने 2 32 भी है, 216 भी है। अच्छा, दोनों अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई ये हमारे एक छोटे भाई हैं जिनकी ये गाड़ी होने वाली है। तो भाई फादर के साथ आए हो अपने? हाँ। तो भाई फादर के साथ आए हो और ग्रेटर नोएडा से आए हो, आपने बताया था ना, क्या नाम है आपका? मेधांश। तो भाई का नाम मेधांश होने वाला है, भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर जब भी चैनल बनाएगा भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अभी जो काम चला है, किसमें माउंट भी लगेगा क्या? स्टीयरिंग माउंट अभी लगेगा तो भाई, लेकिन मैं आपको स्टीयरिंग माउंट ना इसका दिखा दूंगा कैसा माउंट होता है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो जो आपका म्यूजिक प्लेयर होता है। बाकी यहाँ पे अभी सारा तामझाम ना खुला हुआ है, सीट वीट भी खुली हुई है क्योंकि अभी इसमें सीट कवर डल रहे हैं। चलते हैं पीछे की तरफ, तो भाई यहाँ पर इसके काम हो रहा है, तो ये चीज़ देख लो आप, यहाँ पर कुछ कैमरे वैमरे की वायर लगी हुई है। अभी ये रहा पंच आपका, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो कैमरा लगा रहे हैं वो कुछ यहाँ पे फिट किया है, तो एज इट इज़ जो कंपनी वाली जगह होती है हमने वहाँ पे इसका कैमरा फिट किया है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बम्पर वगैरह में होल नहीं हो रहा है, बट डायरेक्ट जो फिटिंग हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। तो भाई यहाँ पर जो हम स्पीकर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम JBL का जो कोएक्सल होता है वाला स्पीकर लगा रहे हैं भाई, तो ये चीज़ देख लो एक बार, इसकी क्वालिटी भी सुनाऊंगा भाई एंड्रॉइड के साथ इसकी जो क्वालिटी आने वाली है वो क्या आने वाली है। अभी उस गेट के अंदर काम चल रहा है, तो भाई बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे एक रिंग लगती है, उस रिंग के लगने के बाद ये वाला स्पीकर लगता है, तो यहाँ पे हमने ये वाली मोटी वाली जो रिंग है ये लगा दिया, उसके बाद ये वाला स्पीकर लगा दिया। ठीक है, तो ये कुछ इसकी रिस्पॉन्स है बढ़िया। तो भाई इस गेट के अंदर मुझे लगता नहीं कि डैम्पिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो शीट है ना तो फॉर्म शीट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और सही मतलब बढ़िया वाला जुगाड़ कर रखा है, और कंपनी जो दे रही है बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही है इसके अंदर, जो कि भाई टाटा की कंपनी आपको पता ही है वो देती देती है। और भाई इसके साथ इसके अंदर कुछ एंटीना यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आता, बट ये चीज़ भी लग जाएगा। तो एक बार भाई मैं एंटीना दिखा देता हूँ कि कौन सा लगने वाला, और इससे पहले भाई दिखाता हूँ आपको ये GPS जो होता है अपना, ठीक है, तो ये भी एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट होगा अपने, और ये GPS लगने के बाद जो अपनी मैप लोकेशन होती है वो पूरी की पूरी आ जाती है, तो भाई ये चीज़ देख लेना आप। तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं आपके सामने दोनों रिमोट, जो कि गाड़ी के देख लो, ये वाला फिनिशिंग देख लो और एक बार ये वाली देख लो, ये कुछ मैट सी फिनिशिंग रहती है और ये कुछ ग्लोसी फिनिश रहती है, तो भाई ये क्वालिटी रहती है, और ये चीज़ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। और ये आपका कुछ रिमोट हो जाता है, और यहाँ पे ये चीज़ सारी वर्किंग हो जाती है, ठीक है, एक बार वाला रख के दिखा भाई, ठीक है, ये चीज़ देखो, आपका हॉर्न भी परफेक्टली काम करता है इस पर, और ये सारी चीज़ एंड्रॉइड से कनेक्ट हो जाती है, तो जिस टाइम आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना उस टाइम आपको वहाँ टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस पर 4 दिन आपका हाथ चलता है, उसके बाद सेट हो जाता है, बिना देखे भी इसको प्रेस कर सकते हो। तो भाई इसका क्या हिसाब किताब रहता है लगाने का? इसका कपलर टू कपलर रहने वाला है, एक ही वायरिंग अपना नहीं कटिंग होता है। इसका कहाँ है कपलर अपना कुछ है इसमें? कपलर अंदर पड़ा हुआ है। नहीं यहाँ सॉकेट वगैरह, सॉकेट भाई सॉकेट होता है। अच्छा, ये सॉकेट लगेगा डायरेक्ट उसमें लाके स्टीरियो में लग जाएगा, उसके बाद कोई वायरिंग एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं कटेगी।
तो भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर हैलोजन बल्ब था और हैलोजन बल्ब को हम चेंज कर रहे हैं नाइट आई में। तो ये कुछ नाइट आई की एलईडी रह गई और ये कुछ नाइट आई की एलईडी अभी हम इसके अंदर फिट करेंगे और जला के भी दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पे ना दिन का रिस्पॉन्स है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल नहीं पाएगा, बट फिर भी कैसी ये लगेगी लगने के बाद, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पर लग चुकी है वो वाले में अभी लग रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो रिस्पॉन्स अच्छा है वैसे नाइट आई का। तो भाई यहाँ पर देखो एक बार रिस्पॉन्स, दिन में भी जो रिस्पॉन्स आ रहा नाइट आई का कुछ ये वाला रिस्पॉन्स है। ठीक है एक बार डिपर मारियो भाई जाके। ठीक है तो भाई यहाँ पे अभी हमने डाला हुआ है इसके हैलोजन बल्ब जो कि कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। ठीक है जो कि हीट भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें एलईडी। तो ये चीज़ देख लो। और दिन के रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ वाइट डिपर मारी हुआ इसका, यहाँ पे आपको कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डिपर मार के देखते हैं एक बार, ये देखो ठीक है ना, ये दिन में ये चीज़ आ रही है। और यहाँ पे हैलोजन बल्ब का करियो, ये कुछ हल्का सा दिख रहा है आपको। यहाँ पे लाइट ये टाइल पे चमक रही है कि लाइट जल रही है गाड़ी की। ठीक है तो ये थोड़ा कम है बट यहाँ पे वाइटनेस देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। तो भाई आपने रिस्पॉन्स देख लिया इसका, जो नाइट आई का रिस्पॉन्स था वो भी बहुत बढ़िया था हैलोजन बल्ब के साथ। तो यहाँ पे कैसा था, कौन सा बढ़िया था, नाइट आई बढ़िया था हैलोजन बढ़िया था? नाइट आई बढ़िया था ना, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स हमें दिन में नहीं देखने को मिला था, रात को पता नहीं, लेकिन अभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो भाई जो सेंटर लोग हमने लगाई है इसके अंदर वो लगाई है हमने आरडी की। तो यहाँ पे आरडी का देख रहे हो, ये जो उसका हूटर होता है वो चीज़ है, जब हम लॉक अनलॉक करते हैं इसमें से आवाज़ आती है। तो ये कुछ आरडी की सेंटर लॉकिंग है, उसका भी रिमोट वगैरह दिखाऊंगा आपको भाई कि जो रिमोट वगैरह रहने वाला है वो कैसे गाड़ी लॉक हो रही है, कैसे अनलॉक हो रही है, क्योंकि उसके अंदर वो सिस्टम भी नहीं आता। तो वो चीज़ भी हमने लगा दी, तो अब गाड़ी हमारी रिमोट से अनलॉक होगी और रिमोट से लॉक होगी। ये है टाटा पंच के जो सीट कवर थे वो ये वाले थे, तो सीट कवर अभी इसके अंदर लग चुका है। एक यहाँ पे भाई लगा रहा है अभी। ठीक है भाई फिटिंग कैसी आ रही है, नई गाड़ी होने के बाद एक नंबर आ रही है नहीं आ रही है, मतलब सीट कवर हम एक नंबर वाले लगा रहे हैं इस टाइम पर है भाई। ये कुछ इसकी सीट आती है अभी लग के। ठीक है और इसकी कर्व देख रहे हो, ये चीज़ कर्व है इसकी, और सीट कवर लगने के बाद दिखा दूँ कैसा कर्व है। तो एज इट इज़ ये देख रहे हो, ये चीज़ पूरी वो चीज़ है, इवन उससे ज़्यादा बढ़िया लग रही है क्योंकि इसमें ये वाली शेप भी आ गई है और ये वाली भी आ गई है। उसके अंदर आपको एक ही शेप देखने के लिए मिल रही होगी, बट यहाँ पे आपको ये वाली मिल रही है, ये वाली मिल रही है, और जो कंफर्ट लेवल है वो एक नंबर का है। एक बार भैया लास्ट में ना एक बार क्या करेंगे हम, लास्ट में इसका जो भैया है जिनकी गाड़ी है उनसे एक बार रिव्यू ले लेंगे कि भाई उनको जो गाड़ी में काम हुआ है कैसा लगा है, सिस्टम विस्टम सारा ले लेंगे। तो भाई ये कुछ क्वालिटी थी पंच की जो कि मैंने आपको दिखाई थी, और ये क्वालिटी देख लो गाड़ी में लगने के बाद कैसी लगती है। ये लग गई हमारी पंच में, ठीक है, और ये कुछ क्वालिटी है क्योंकि इस टाइम पर दिन के टाइम पे भी भाई देख रहे हो एकदम ब्लू कलर की एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ चल रही है। देख रहे हो लाइटिंग देखो यहाँ पर ब्लू एकदम, ये चीज़ अगर पीछे वाले गेट पे भी दिखा देता हूँ भाई इसका, देखो सिस्टम कहाँ कर रखा बढ़िया चीज़ है। ये देखो पीछे वाली लाइट की भी देखो, पीछे वाले गेट की जो चीज़ है ना मतलब उसके एक्यूरेट साइज़ की है, बड़ी है और लाइटिंग बहुत अच्छी है सबसे अच्छी बात। तो लाइटिंग का ही मज़ा होता है, और गाड़ी में लगने के बाद जो क्वालिटी आती है ना भाई दोनों गेटों की वो कुछ इस तरह की रहती है। ठीक है छोटा भाई है जिसकी गाड़ी होने वाली है, तो ये देख लो दोनों एकदम बढ़िया चीज़ भाई। ये कुछ रहने वाला हमारा इसका फ्रेम जो कि हम ये लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ लग जाएगी पूरी स्क्रीन। ये बड़ी हमारी 10 इंच की स्क्रीन, 10 इंच की 9 इंच वाली है, 9 इंच वाली है ये हमारी 9 इंच वाली स्क्रीन है जो कि अभी हम इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो भाई ये कुछ फ्रेम रहने वाला इसका। गाड़ी हो चुकी है अपनी रेडी पूरी की पूरी, और इस गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। इस गाड़ी को हमने एक तरीके से बेस से थोड़ी टॉप वाली फील दे दी है, तो हमने करा क्या है इसके अंदर वो दिखाता हूँ धीरे चल के भाई। वैसे तो कंपनी ने बहुत चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हमने वाइट कलर का जो उसका इसका जो येलो कलर का DRL था हमने इसको वाइट कर दिया। तो भाई ये चीज़ वाइट हो गई है पूरी, ये चीज़ देख सकते हो एक बार लुक देख लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है वाइट के साथ एक बार सामने से लुक दिखाता हूँ भाई, तो गाड़ी का लुक है कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है अभी भी दिन का टाइम है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा, बट फिर भी स्टिल ये लाइट आपको पूरी की पूरी वाइट बढ़िया एकदम दिख रही होगी। सेम जो है आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही होगी, ये चीज़ देख लो एक नंबर क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ भाई, क्वालिटी बताना एक नंबर की कैसी आ जाएगी गाड़ी की। थोड़ा बैक साइड में दिखाता हूँ आपको जो कैमरा माउंट है वो किस तरीके का है। तो जो कैमरा माउंट है वो यहाँ पे हमने किया था, और यहाँ के जो बल्ब है वो भी देख रहे हो वाइट वाइट वाला सीन कर दिया। नंबर प्लेट अभी गाड़ी पे है नहीं क्योंकि इस पर टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो हमारा बुलबुल का बच्चा यहाँ पे लगा हुआ है, पंच के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे साइड में करके एक लगा दिया कैमरा, और ऊपर से भाई बिल्कुल नज़र भी नहीं आता गाड़ी का जो लुक है वो बैक साइड से कुछ आता है। भाई यहाँ पर हमने लगा दिया फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग होती है हमारी RD वाली, वो लगा दी है। तो ये चीज़ कुछ हो गई है, ठीक है।
एक बार भाई क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पंच की क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, इस टाइम पर थोड़ी शाम हो गई तो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है आपको, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है जो कि आप दूर से भी देख सकते हो। इसके बाद भाई बात करते हैं हमने 70 मैट की, तो हमने पंच के लिए भी 70 मैट पूरा एक्यूरेट जो भी इसका साइज़ होता है उस साइज़ के अकॉर्डिंग पूरा पंच वाला जो उसका 70 मैट है वो आ चुका है। देखो क्लैरिटी देख लो, गाड़ी में देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर हमारा भाई बैठा हुआ छोटा वाला, क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? मेधांश। अच्छा मास्क लगा रखा ना भाई ने, इसलिए भाई मेधांश है। भाई कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आवाज़ वाज सुनी? हाँ, मज़ा आ गया, ठीक है। भगवान जी हमारे के नाराज़ हो रहे हैं, भगवान जी को हम ठीक से लगाएंगे, अच्छी जगह प्लेसमेंट देंगे, जाने की अब थोड़ी सी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी करी जाए हमारी। तो यहाँ पर हमने लगा देता है इसमें एंड्रॉयड, तो भाई ये एंड्रॉयड लगाने के बाद जो लेवल है, मतलब देख रहे हो इंटीरियर देखो गाड़ी का, मतलब टाटा की गाड़ी और इस तरह का इंटीरियर एक नंबर वाला इंटीरियर हो रहा है। पीछे थोड़ा 70 मैट का काम चल रहा है, बस जो लास्ट बचा हुआ था इस गाड़ी के अंदर, बाकी सब कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई एक बार सीट कवर चेकआउट कर लो आप इसके, तो ये कुछ सीट कवर है इस गाड़ी के जो कि भैया ने पसंद करे थे। ये सीट कवर हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। और यहाँ पे भाई इस वाले प्लेयर की ना आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँगी, 2 GB और 16 GB वाला होने वाला है, 9 इंच की स्क्रीन होने वाली है और एक नंबर की क्वालिटी होने वाली है। और ये डैशबोर्ड, ये अपना मीटर हो गया, ये अपना डैशबोर्ड हो गया, कहीं भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कहीं कुछ मतलब उल्टी सीधी चीज़ें नज़र नहीं आएगी, और एक नंबर का काम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से दे रखी है भाई इसके अंदर। भाई यहाँ पर आ चुकी है हमारी जो फ्लिप की थी वो फ्लिप की, और हमने इसको देखो, ये देखो ये लॉक हो रही है, ये अनलॉक हो रही है, ठीक है। ये साउंड कुछ रहती है आरडी सेंटर लॉकिंग की, लॉक अनलॉक यहाँ पे कर दिया मैंने, इसकी की जो थी वो ऑन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे इसको ऑन, ताकि इसका मीटर वगैरह सब कुछ आ जाए, तो कुछ इस तरीके से इसका मीटर ऑन होता है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो मैंने आपको बताया था 2 GB 16 GB वाला एंड्रॉयड होने वाला है, जो कि फुल एचडी वाली स्क्रीन होने वाली है। और अगर इसकी मैं लाइट यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये देखो, मतलब टाटा के अंदर क्या होता है कि जब आप लाइट जलाते हो हल्क थोड़ी देर बाद डिम होती है। इसकी साउंड सुनाऊंगा आपको इस टेम्पर में, एक बार कर देते हैं इसके गेट को बंद और कर देते हैं इसे शीशा ऊपर, पीछे वाला पावर विंडो नहीं है, तो भाई ये हो गए शीशे बंद इसके। भाई यहाँ पर आपने इसकी साउंड सुन ली है, जो कि विदाउट एनी एम्पलीफायर ये चीज़ चल रही है हमारी, और जो कि एक नंबर चल रहा है। और एक बार भाई माउंट देख लो, यहाँ पीछे से भी देख लो, ठीक है, बिल्कुल 0x0 जैसे बोलते हैं वाली फिटिंग होने वाली है, मतलब यानी कि एक्यूरेट जैसे कंपनी फिटेड वाला सीन होता है वाला सीन होने वाला है, जैसे कि आपने अल्ट्रोज में देखा होगा और हमारी जो टियागो आती है उसके अंदर भी समथिंग कुछ ऐसी होता है। तो ये कुछ चीज़ें मतलब स्क्रीन उठ के आती है जो कि पहले इको स्पोर्ट वगैरह में आया करती थी। और यहाँ का देखो तो छोटा सा यहाँ बल्ब दिया, लेकिन भाई बल्ब भी तेज़ जल रहा है, तो काफ़ी अच्छी लाइट भी है और अंधेरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइट भी दिखाता, इवन यहाँ हाथ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है। यहाँ पर जो अभी हमने टाटा पंच में काम कर दिया, तो भाई ये कुछ मैंने गेट खोल दिया ताकि एक जो लगता है ना कि गाड़ी में क्या क्या लगा है, तो भाई ये देखो ये लगी हमारी वेलकम लाइट। उसके थोड़ा सा अंदर नीचे की तरफ देखोगे 70 मैट थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहा होगा आपको। उसके बाद हमारे सीट कवर लग गया, तो ये कुछ दूर से आप देख लो एक बार कैसी लग रही है। छोटा भाई जो है कि गाड़ी होने वाली 10 साल का भाई है, लेकिन बढ़िया बातचीत है, मतलब गाने वाने बढ़िया चला लेता है और बातचीत भी सही है। ये चीज़ देखो भाई, क्वालिटी देखो एक बार, ये 70 मैट जो हमारे पीछे वाले के लिए आते हैं कुछ, ये 70 मैट है पीछे, ठीक है। और ये हमारे जो सीट थी इसकी पीछे वाली, तो ये कुछ सीट भी हमने बढ़िया तरीके से मतलब हो गया है। ये कलर चूज आपने किया था भाई? पापा ने किया था, ठीक है। कलर भी गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के कलर के हिसाब से मैच कर रहा है, तो जो गाड़ी का कलर है समथिंग लाइक दैट, तो वो देख रहे हो मज़ेदार वाली चीज़ हो गई है। और उसके बाद एक बार करते हैं, एक बार इसका बैक गियर डालना, ऐसे कर करे दबाओ पहले, हाँ अब पीछे कर दो, ये डल गया बैक गियर, वो देखो कैमरा चालू हो गया पीछे, समझ गए?
देख लिया कैसे डलता बैक गियर, ऐसे डलता है, डालना मत लेकिन अकेले। तो भाई यहाँ पर भाई को सिखा दिया बैक गियर क्या डालना, और ये है कुछ पीछे का रिस्पांस। अभी भाई खड़ा है बाइक लेके पीछे स्कूटी लेके, और ये कुछ रिस्पांस आ रहा है, और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कितने कितने की लाइनिंग वगैरह, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही है। तो ये कुछ बैक गियर डालने पर, और इसकी साउंड भी आती है जो कि आरडी सेंटर लॉकिंग में साउंड आती है समथिंग, वो साउंड आपको सुनने को मिल जाती है। गियर हटाना भाई, बीच में कर दो उसे वापस। ये गाड़ी हमारी हो चुकी है न्यूट्रल, और वापस से जो हमारा गाना चल रहा था वो वापस से वहीं पे आ चुकी है। प्ले करेंगे, हमारा गाना प्ले हो जाएगा। अगर आप प्रीमियम ले लोगे तो ये गाना ऑटोमेटिक प्ले ही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम और यूट्यूब में ही इशू आई है कि प्रीमियम लेने पे ही आप जैसे गेट हटाओगे गाना आपको चलता मिलता है। लास्ट हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया था हॉर्न, जो कि था क्रेटा वाला हॉर्न, तो एक बार आपको वो भी ब्लो करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखो एज इट इज़ क्रेटा वाली साउंड, बाहर से सुन लेना थोड़ी सी कैसी है। एज इट इज़ भाई क्रेटा वाली एक नंबर साउंड आ रही है इसके अंदर। और गाड़ी अगर मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, देख रहे हो आर पी एम वहाँ पर, मतलब बेस मॉडल के अंदर अगर ये सारी चीज़ दे रही है कंपनी, तो यार कुछ गलत नहीं दे रही, और जिस प्राइस में दे रही है वो बढ़िया दे रही है। और अगर भाई ये सारे चीज़ जो भी आपने अभी तक देख लिया, हॉर्न देख लिया, एंड्रॉयड देख लिया, 70 मैट देख लिए, और बाकी आपने पंच की जो बात करें, अगर इसकी जो उसका प्लेट है वो देख लिया, सीट कवर देख लिया, ये सारी चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा हमारी पृथ्वी इस शॉप पे, जो कि आपके सामने नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो इस शॉप पे आ सकते हो। इवन दिन के टाइम पे दो पंच थी बट मैं दिखा नहीं पाया था, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसमें, क्योंकि एक आध काम कुछ था समथिंग, इसके अंदर हमने बहुत सारा काम कर दिया। इवन जो गाड़ी बेस मॉडल को एक जो ज़रूरत होती है वो चीज़ हमने इसके अंदर कर दिया। तो ये कुछ मिला के एक बार भाई भाई से बात करा दूंगा जिनकी गाड़ी होने वाली है, और जिस भी जो आपके सामने नंबर आ रहा है उस नंबर से आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको पंच पे आना है, पंच की मॉडिफिकेशन करानी है, तो भाई वो भी आप आ सकते हो। और ये भाई मेरे को देख के जा रहा है, पता नहीं क्यों देख के जा रहा है, इसको देखना नहीं चाहिए था। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी की, अगर आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो आप आ सकते हो। पृथ्वी कार सीट कवर पे, और मतलब एक नंबर वाला काम है, मेरी पहले वाली वीडियोस में भी आप देख सकते हो, एक नंबर वाला काम हमेशा होता है, और इस जैसी गाड़ी के अंदर आप करवा सकते हो। तो भाई पंच गाड़ी आपने देख ली है कि किस तरह से मॉडिफाई हुई है, और जो बेसिक जो भी चलते हैं ना कि जरूरत का जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ लग चुकी है। तो यहाँ मेरे साथ होने वाला है भैया। भैया कहाँ से आए हो आप एक बार बता दो। ग्रेटर नोएडा से आए हूँ। ग्रेटर नोएडा, भैया क्या नाम होने वाला है? अमित गुज्जर। अमित गुज्जर, मतलब पीछे गुज्जर लिखवाओगे? हाँ लिखवा लेंगे, कोई लिखवा देंगे, मोस्टली उन्हें लिखवा के रखते हैं इस चीज़ में। अभी वहाँ स्विफ्ट गाड़ी है, उसके भी तो लिखा हुआ था बड़ा बड़ा गुज्जर। तो गाड़ी में जो भी काम हुआ है अभी तक, सीट कवर वगैरह कैसा लग रहा है? सारा काम बढ़िया कर दिया, काम कोई कमी नहीं। पैसे वैसे का मामला ये बढ़िया है भाई, बढ़िया है, क्योंकि पैसे के मामले मैं बताऊँ अगर तो जो चीज़ आपका लग गया है सारा, बहुत अच्छे अमाउंट का लग गया। नहीं सही है, क्योंकि मतलब इससे कहेंगे कि भाई ज्यादा हाई नहीं है, तो लो नहीं, लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, मतलब दुकान भी बैठा तो थोड़ा कमाने के लिए बैठा है। सही बात, बाकी चीज और बाकी आपने देखा लाइट वाइट का सेटअप, एंड्रॉइड वेंड्रॉइड सब कैसा लगा? चीज अच्छी है, सब बढ़िया लगा। तो भाई सारी चीज़ें बढ़िया लग चुकी है। इस टाइम पर जाने का भैया का टाइम हो चुका है, और मैंने भैया को खामा का थोड़ा सा और लेट करवा दिया, बट ये गाड़ी जा रही है। और इसके बाद भाई देखते हैं कौन सी आप लोगों में किसकी पंच आने वाली है, और कौन ये पंच लेके आने वाला, जो कि हमारे पास आएगा पृथ्वी कार सीट कवर पे, जहाँ पे आपका नंबर आपके सामने आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हो आप, और सीधा कॉल करके इस तरह की मॉडिफिकेशन आप गाड़ी के अंदर करवा सकते हो। तो गाड़ी की जो बातचीत है वो एक नंबर लग रही है। फिलहाल के लिए भाई इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कॉल कर ही देना और आ जाना, और ये काम करवा लेना, क्योंकि भाई देखो डिपेंड करता सारी चीज़ों पर। तो ये जो काम हुआ है सारा का सारा, मैं आपको बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम सिर्फ और सिर्फ 28,000 के अंदर आपका ये काम सारा का सारा हो चुका है। मैंने प्राइस आपको रिवील कर दिया, वो इसलिए कर दिया कि आप डायरेक्ट लाके ये काम सेम रेट के अंदर आप आके करा सकते हो। बाकी हाँ क्वालिटी पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए भाई वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। पृथ्वी कार सीट कवर पे आना, अगर आके जाना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। तो भाई मैं आ चुका हूँ सीधा सियाराम भाई के पास, जो कि होने वाला है पृथ्वी कार सीट कवर से। भाई कैसे हो? बस ठीक, बढ़िया एकदम। तो भाई एक बताओ कि अभी तक हमने जो पंच कर दिया है वो कितनी गाड़ी अभी तक आप कर चुके हो, और आज हमारी कौन सी गाड़ी थी जो तुमने मुझे आज बुलाया? पंची की है, दो तो कल किया हमने। अच्छा, और एक परसों किया था शनिवार को। अच्छा ठीक है, और एक दो दो आज लगी थी अपने पास, दो आज लगी थी जिसमें एक में छोटा मोटा काम था और एक में लमसम सभी हुआ है, स्टीयरिंग कंट्रोल। तो आपने सोचा आप मेरे पास पंची पंच का मतलब बनना है अपने पास, ऐसा लग रहा है स्पेशली टाइप बन रहे हो तुम।
हाँ मतलब किसी और के वीडियो देख के आए हुए थे। अच्छा अच्छा, यहाँ ट्राई किए तो रेट अच्छा लगा, काम अच्छा हुआ। अच्छा हाँ। तो वो चीज हो गया। तो टोटल भाई क्या कॉस्ट वगैरह पड़ गया हमें टोटल? 25,000 में हो गया स्टेरिंग कंट्रोल छोड़ के लंबा सारा काम। सारा काम हो गया, मतलब बेसिक जिसे बोलते हैं एक तरह से सारा काम हो गया, एंड्रॉइड लग गया हमारा, सब चीज लग गया। तो एक बार मेरे को सीट कवर की क्वालिटी वगैरह दिखा दो भाई, क्या क्या रखते हो आप क्वालिटी वगैरह? ये होते हैं स्किन फिट वाले अपने पास। अच्छा, बकेट वाले जो होते हैं, बकेट वाले जो पूरे फिट रहते हैं उसके साथ। तो इसमें क्या सिलाई वलाई का क्या जुगाड़ रहता है इसमें? सिलाई वाला जो ओरिजिनल होता है उसकी सिलाई खोल के प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है। अच्छा, जेन्युइन फिटिंग जो होता है आपका, ठीक है। और एक आता है नॉर्मल टाइप। अच्छा, डिजाइन अपने पास यही होता है या कोई और भी रहता है? बहुत डिजाइन है, ये देखो ये सीट कवर। अच्छा, ये वाले भी है लेकिन ठीक है, टाइप के मिल जाता है आपको। अच्छा, मतलब सारे जिस तरह में कस्टमर मांगेगा उस तरह मिल जाएगा आपको। तो भाई ये सारी चीजें देखने को मिल रही है भाई, ये देख लो एक बार। बकेट बताओ, ये बकेट किस तरह से बन जाता है? बकेट करके बकेट जो है ये देख रहे हैं, इसकी सिलाई खुलती है यहाँ से आपकी। अच्छा अच्छा, इनमें से जो कंपनी का सीट कवर्स होता है उनका रोड निकल के इनमें डाल के प्रॉपर फिट होता है। ओके, तो मतलब ये पूरा ऐसी वाली फिटिंग आ जाएगी बढ़िया वाली, बकेट वाले में। और आप एंड्रॉइड वगैरह की बात करें तो मतलब क्या, कौन कौन सी कंपनी अपने पास अवेलेबल है? ब्रांड है यार मेगा सोनी। तो भाई यहाँ देख लो, यहाँ पे भैया के पास यहाँ पे ब्रांड ही ब्रांड है, यहाँ पे पूरे सारे टच ही टच रखे हुए हैं, एक एक करके सारे टच रखे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सारे टच वाला काम है। और भाई एक 70 मैट का और मुझे बता दो कि 70 मैट का क्या हिसाब किताब रहने वाला है? 70 मैट यार बहुत रेंज आते हैं आपका, 1700 से लेंगे और 3000 तक। एक बार मुझे क्वालिटी दिखाओ थोड़ी, जो भी क्वालिटी आपको अच्छी लगी वाली है। हां, मिड रेंज में बहुत अच्छा है। ये कितने का होने वाला? 1900 के रेंज में है। 1900 के रेंज में डबल स्टिचिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, ये वाली डबल स्टिचिंग स्टिचिंग है इसमें, ठीक है। क्वालिटी देखो, एक इसमें लोकल भी आता है आपका डबल सिलाई में। अच्छा, वो भी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी अपने पास रहने वाली है कुछ, ये देख लो भाई, पूरा मतलब भी फिट हो जाता है पूरी गाड़ी में। जैसे हमारे जैसे हमने पंच में कर लगा के दिया है 70 वाट, सेम वैसा होने वाला है। ओके ओके, अच्छा मैं कोई कलर वलर भी आता है उसके अंदर कुछ, या धागे कलर आता है? धागे रेड आ जाता है आपका, फुल ब्लैक मिल जाएगा। अच्छा हां, फुल ब्लैक मतलब ये पूरा जेड ब्लैक हो जाएगा, धागे भी ब्लैक हो जाएंगे, पूरा जेड ब्लैक कलर में भी है जो टैन कलर की। अच्छा, ये वाला कलर भी है? तो भाई एक बार ये वाला कलर भी देख लो। तो भाई अगर आपको आना है तो सीधा आना आप सीधा सियाराम भाई के पास पृथ्वी कार सीट कवर पे, और आके अपनी पंच लेके आओ, या कोई भी गाड़ी ना भाई, टाटा की कोई भी गाड़ी लेके आओ, या कोई भी ले आओ किसी भी कंपनी की। तो भाई ने बताया मुझे कि 7वीं पंच पे मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास आ रही है गाड़ियाँ, तू आ जा और मेरी वीडियो बना जा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम जो क्वालिटी दे रहे हैं भाई वो एक नंबर देगा। क्योंकि एक बंदा गया, उसने दो को बताया, दो गाड़ियाँ और भेज दी कि भाई साहब उन्होंने पता नहीं ग्रुप से लिया, 3 गाड़ियाँ उन्होंने खरीदी थी, कुछ ये सिस्टम था। और भैया के पास वो गाड़ी भी आ गई, एक गाड़ी और जो हमने करी वो ली, एक का छोटा सा काम करना था, वो कह रहा भैया मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद आऊँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा जब भी वो गाड़ी आती है। फिलहाल के लिए भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके साथ साथ भैया के पास जो चीज़ें मिल जाती हैं वो और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद लेकिन पहले बताएंगे क्या क्या मिल जाता है अपने पास? सब कुछ होता है, HID, LED। अच्छा, आजकल जो 150 वाट में आता है अच्छा होता है वो भी होता है, नाइट आई सारे ब्रांड है, अल्फा वगैरह सब है। यहाँ पे देख लो भैया, अल्फा रखा हुआ है, ठीक है भाई, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे देखो, ये आमरेस्ट रखा हुआ है, और ये RD की सेंटर लॉकिंग, हमने उसमें RD की सेंटर लॉकिंग लगाई थी ना, फिलिप की वाली। तो भाई ये कुछ RD की सेंटर लॉकिंग रखी है इतनी सारी, और ये कुछ यहाँ पे सिस्टम रखे हुए हैं, और लिंक वगैरह पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे वूफर वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली गाड़ियों का ना पूरा मतलब सीन कैड़ा वाला है, सब कुछ मिल जाएगा। सिस्टम भी अनप्लग कर लगा है। अच्छा, मतलब जहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी वहीं ठीक हो जाएगी। आजकल क्या करते हैं मेगा सोनी के, कहते बंदे 2-2 साल की गारंटी जी, रिप्लेसमेंट। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, 2 साल के तो नहीं है, झूठ बोल के कह देता है यार, वारंटी गारंटी गारंटी कुछ नहीं होता, वारंटी होती है इनके। अच्छा हाँ, वो तो वारंटी तो, पर अनप्लग वाले आपको दे रहे हैं ऑन साइड, तो जहाँ गाड़ी खड़ी होगी वहीं ठीक करके जाएगा, आपके घर पे जाएगा, फोन करो घर पे जाके चेक करके आएगा। तो भाई अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आना है या फिर मंगाना है, क्यों पंच जरूर थोड़ी ना दिल्ली में ही हो, बाहर भी हो सकती है, नहीं भी अगर मंगाना है बाइक ओरियर मंगा रहे हो तो भाई ये चीज मंगा सकते हो आप। तो नंबर आपका सामने आ ही रहा है, और सियाराम भाई का नंबर मैं डाल दूंगा क्योंकि भाई, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा एड्रेस वगैरह, अगर यहाँ पे आप आना चाहते हो तो एड्रेस मिल जाएगा। इवन सियाराम भाई कॉल उठाएंगे तो भाई आपको ये चीज़ आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पे आना है, आपको एड्रेस मिल जाएगा, आपको लोकेशन मिल जाएगी, और आप आके ये काम करा सकते हो। तो भाई फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।